बड़ी जल्दी में रहते हो अब, कल अपने पैसे भी नहीं लेकर गए। दरअसल वो कल जरा तबीयत खराब थी तो इस वजह से जरा सा ना बस वो फेड आउट हुआ था। अब से चला रहे हो दुकान? अब ये पहले तो ये बजी चलाते थे, अब उनकी जरा तबीयत खराब रहती है तो मैं ही होता हूँ। ये क्या है? अब ये मैं देखो, जरा ध्यान से रखा करो, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, सफाई ना हो तो बरकत उठ जाती है। सर आप टेंशन ही ना लें, अगली बार से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलो फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़। क्या हुआ है मैडी, सब ठीक तो है ना? परीक्षा, बहुत बड़ा मसला हो गया यार। क्यों, क्या हुआ है सर? आज इंटरनेट डिपार्टमेंट का बंदा आया था शॉप पर और उसको मुझ पे फुल शक हो गया। ये काम अब सेफ नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। कुछ भाग जाए। नहीं पागल हो, ऐसा करो जो सामान पिज्जा शॉप पे पड़ा हुआ है उसको किसी सेफ जगह ट्रांसफर कर दो, क्योंकि उसका वहां रहना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। जाओ फौरन जाके बस उसको फाइंड अप करो। मैं भी जाता हूँ। पापा वो असल में मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसे ही वापस नहीं आए। जिस जगह मैंने हलाल कमाया उसी जगह को तुमने एक हराम का अड्डा बना दिया। अब्बा जी मेरे पास असल में वजह है। महक दबा जाए यहां से और आइंदा इस दुकान के आसपास नजर नहीं आना। महत, महत ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ है, सब ठीक है ना? मैंने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया और स्पेशली अब्बा जी के साथ, हमेशा उनको तकलीफ दी है, हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से बहुत दूर चला जाऊँ, आप प्लीज मुझे जाने दें। महत देखो, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि गलती हर इंसान से होती है और हमेशा जिंदगी उस गलती को सुधारने का मौका लाजमी देती है। और हाँ, गलतियों से भागने वाला भाई मेरा माहत ना था, हमेशा गलती का डटकर सामना करने वाला और उस गलती को सुधारने वाला भाई मेरा माहत था।
हाँ बोल। मैंने आपसे कहना था कि अब मैं और काम नहीं कर सकता। अबे गांडू, मैंने तुझे कॉल सेंटर में नहीं रखा कि तू जब चाहे जॉब छोड़ दे। नहीं, दरअसल वो अब्बा जी को सब पता लग गया है, अब मेरे पास पिज्जा शॉप नहीं रही। तो पिज्जा शॉप गई है ना, तेरी टांगे तो नहीं गई? तू मेरे लिए अब दूसरा काम करेगा, माल मेरा दिमाग तेरा, कल सुबह 8 बजे। हाँ रिशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने सामान गाड़ी में ऑलरेडी डिक्की में रखवा दिया हुआ है, ठीक है? तुम दोनों ने इस पर नजर रखनी है और मेक श्योर करना है कि सामान टाइम पे डिलीवर हो जाए। जी भाई, हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल, मेक श्योर। तो मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिशियन बुलाना चूतिए। मेरे पेट में कुछ मसला हो रहा है, रुकने का बोल। गाड़ी रोक बे। क्यों, क्या हुआ? आगे वॉशरूम देख के गाड़ी रोक। गुंडा भाई ने बोला है पैकेज टाइम पर पहुंचाना है। जब तेरे को रुकने का बोला है तो रुकना। ओके। हाँ जी, किदा सर? वो देखिए खोल। ले चलो इन्हें। सर हमें गलत खबर दी गई है, इस थैले में तो आटा है। जी ठीक है सर, मैं इसको छोड़ देता हूँ।
हाँ रिशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जब मैं गुंडा भाई के पास पैकेज लेने जाऊंगा तो उधर अच्छा गुंडा भाई वो अच्छा ठीक है जाओ। सुसु के बहाने अंदर जाके छुपके से वायरिंग में छेड़खानी कराऊंगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो वो इलेक्ट्रिशियन को तो बुलाएंगे ही। तो मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिशियन बुलाना चूती है। दूसरी तरफ मैं गुंडा भाई के लोगों को दवाई वाला बिस्कुट खिला दूंगा, जिससे उनका पेट खराब हो जाएगा और वो गाड़ी रोकने का कहेंगे। जैसे ही मैं गाड़ी रोकूंगा तुम वहां पर आना और मुझे नकली कोकेन वाला बैग देकर मुझसे असली कोकेन वाला बैग ले जाना और सीधा गुंडा भाई के विला के बाहर जाकर इलेक्ट्रिशियन का वेट करना। जैसे ही ठरकी इलेक्ट्रिशियन आए उसको रोकना, मेरा एक दोस्त उधर ही पीछे खड़ा होगा, वो उसको मोजा सुंगाकर बेहोश करके तुम्हारी ही गाड़ी में डाल देगा और खुद नकली इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा। तुम याद से उसके बैग में थोड़ी सी कोकेन डाल देना और तुम वहां से फौरन निकलकर असली कोकेन वाली जगह पर पहुंच जाना। हमारा नकली इलेक्ट्रिशियन विला में घुसकर अंदर कोकेन इस तरह छोड़ाएगा जिस तरह पाकिस्तानी आशिक वादे करने के बाद छोड़ता है। तुम पीछे से पुलिस को कॉल करके एक रेड विला पर करवा देना और दूसरी रेड मेरी गाड़ी पर करवा देना। इससे होगा ये कि पुलिस वाले हमें असल डील वाली जगह पर पहुंचने से पहले ही रोक कर थाने ले जाएंगे और दूसरी तरफ गुंडा भाई के विला पर भी रेड मारेंगे। शुक्रिया जानी, आपकी बड़ी मेहरबानी जानी, आपको लगा यहाँ तक बात नहीं आनी, मेरे को लगा मैं तेरी गाड़ी नहीं मारी तो कैसे पिलाएगा प्यास। उधर उनको विला में हमारे ही नकली इलेक्ट्रिशियन की छोड़ी हुई कोकेन मिलेगी, जिसकी वजह से वो गुंडा भाई को अरेस्ट कर लेंगे। वहाँ तुम असल डील वाली जगह पर पहुँच कर चर्सी कोकेन डीलर को कोकेन देकर उससे कैश पिक करोगी। सिर्फ मैं जमाने में मुझे यूं तंग नहीं कर जाने भाई थोड़ा भाई मैं भाई मैं। और यहाँ मेरी तरफ जब कोकेन की जगह उन्हें आटा मिलेगा तो वो मुझे भी रिहा कर देंगे और फिर तुम और मैं और तुम और मैं। Don't care what you have to say, yeah. Nothing can